डीटी न्यूज इंडिया के गुड मॉर्निंग नांदेड़ इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विलास आड़े। दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशाल मेला 10 जनवरी को नांदेड़ जिले के लोहा तहसील के मालेगांव में लगने जा रहा है। इसी मालेगांव में भगवान खंडोबा विराजमान है। हिंदू धर्मियों का ये आस्था का केंद्र है, एक ज्वाज्वल्य और जागरूक ऐसी ये तीर्थ स्थली है। पिछले 400 वर्षों से यहां पर लगातार मेला लगता है। राजस्थान के पुष्कर के बाद देश का ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जहां का पशुओं का बाजार सबसे आकर्षित करता है। इस मेले में देश भर के चोटी के पशु व्यापारी, खासतौर पर ऊंट, घोड़े, गधे और खच्चर बेचने वाले जो बड़े व्यापारी है, अपने जानवरों को यहां लेकर आते हैं और करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। करोड़ों रुपए के जानवर की खरीद फरोख्त होती है। इस मेले में तकरीबन 20 से 25 लाख श्रद्धालु और सैलानी इस मेले में शिरकत करने वाले हैं। नांदेड़ जिला प्रशासन ने किस प्रकार की तैयारी की है, क्या इंतजाम है, ये सूरत हाल देखने के लिए हम आपको मालेगांव लेकर चलते हैं, जहां पर 10 जनवरी को विशाल ऐसा दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशाल मेला लगने वाला है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा हल्के के नांदेड़ जिले के लोहा तहसील का मालेगांव, जहां पर विराजमान भगवान खंडोबा सदियों से इस पावन धरा में विराजमान है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े कई कद्दावर परिवारों की कुल देवता है ये भगवान खंडोबा। सदियों से यहां विशाल ऐसा मेला प्रति वर्ष लगता है। दक्षिण भारत का मराठवाड़ा हल्के का यह मशहूर मेला है, जहां पर सदियों से जानवरों का बाजार लगता है। देश भर के घोड़े के कारोबारी घोड़ों की खरीद फरोख्त के लिए हर साल इस मेले में शामिल होते हैं। घोड़े, गधे, ऊंट एवं अन्य पालतू जानवरों की यहां पर खरीद फरोख्त होती है। इस मेले में कृषि प्रदर्शनी, पशु प्रदर्शनी के अलावा इस मेले में कुश्ती की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जिसमें हर उम्र का पहलवान महाराष्ट्र के कोने कोने से इस मेले में अपना बाहुबल आजमाने के लिए पहुंचता है। सदियों से महाराष्ट्र की लोक कला, लोक संस्कृति का दर्शन इस मेले में होता है। इस साल 10 जनवरी को यह मालेगांव का मेला, जिसका आगाज होने वाला है, 10 तारीख को भगवान खंडोबा के मंदिर में पूजा विधि एवं धार्मिक अनुष्ठान होगा। उसके बाद भगवान को एक सजी हुई पालकी में रखकर उसकी नगर परिक्रमा की जाएंगी। उसके बाद इस मेले की विधिवत शुरुआत होगी। नांदेड़ जिला प्रशासन ने इस मेले की मुकम्मल तैयारी की है और इस मेले में तकरीबन 20 से 25 लाख श्रद्धालु और सैलानी शामिल होने वाले हैं। नमस्कार, जय मल्लार। इस वक्त हम नांदेड़ जिला मुख्यालय से तकरीबन 60 किलोमीटर दूरी पर बसे मालेगांव में पहुंचे हैं और यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला है। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर भारत में पुष्कर मेला लगता है, उसके बाद दक्षिण भारत का यह मराठवाड़ा हल्के का सबसे बड़ा मेला है, जहां पर पशुओं का बाजार लगता है। ऊंट, घोड़े और गधे, खेचर यहाँ पर बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ पर लाते हैं और ये जो व्यापारी होते हैं, दरअसल ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के होते हैं, जिनका काफिला धीरे धीरे मालेगांव की ओर निकल चुका है। और इस यात्रा को तकरीबन 350 साल से भी ज्यादा साल का इतिहास है और यहाँ का पशु बाजार काफी महत्वपूर्ण होता है और जैसे भी किसानों को संबंधित जो चीजें होती है यहाँ पर वो बेची और खरीदी जाती है और ऊंट, घोड़ों और गधों का बड़ा कारोबार यहाँ पर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मल्लारी भगवान के दर्शन करने के उपरांत हम मेले में जाएंगे
और वहाँ का किस प्रकार की तैयारी चल रही है, ये सब हमारे दर्शकों से साझा करने वाले हैं। हालांकि 10 तारीख को, 10 जनवरी को यहाँ का ये मालेगांव का मेला लगने वाला है, जिसमें तकरीबन 20 से 25 लाख श्रद्धालु हर साल इस मेले में शिरकत करते हैं। विलासा रेड्डी, टी न्यूज, नांदेड़।